Bismillahirrahmanirrahim. Let's study exercise 1.4. एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए. इस दफ़ा आपको तमाम चैप्टर्स की वीडियोस पूरे लिंक्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी. जब आप एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करें तो एक्सरसाइज 1.4 से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो ज़रूर देखिएगा. सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन वन को. क्वेश्चन वन क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. पहला पार्ट देखते हैं. पहला पार्ट क्या है? ये लिखा है 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर. हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपको याद रखना है, हमेशा स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखें एंड रिपीट द क्वेश्चन, देन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई. आप ये देखेंगे कि हम इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे. 3 पावर 5 और ये डिनोमिनेटर में कितनी पावर है? 2. तो अगर ये 2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगी? -2. -2 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 पावर 5 -2. क्योंकि बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है. तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3 पावर 5 -2 क्या है? 3. 3 times 3 is 9 and 9 times 3 is 27. जितनी पावर है उसके हिसाब से हमें उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ भी कोई सॉल्यूशन के बाद आई हैव रिपीटेड द क्वेश्चन, बट नाउ फर्स्टली वी विल राइट 2 पावर 4 और यहाँ क्या लिखा है? 5 क्यूब. और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? 10 स्क्वायर. तो पहले 10 को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर दें. तो आप देखें 2 times 5 is 10. तो हम इसे 2 times 5 is 10 में चेंज कर देंगे. क्या लिखेंगे? 2 power 2 times 5. और क्या मौजूद है? होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का मतलब आप स्क्वायर इस पर भी अप्लाई करेंगे और इस पर भी, क्योंकि ये दोनों की पावर थी. अब जहाँ बेस सेम है तो वहाँ पे आप पावर को, ये 2 power 4 इसे आप सपोज करें डिवाइड हो रहा है 2 स्क्वायर से, तो आप यहाँ पावर 4 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी. ऐसे ही 5 पावर क्या होगा? 3. और यहाँ क्या है? 2. तो 3 में से 2 को हम माइनस कर देंगे. फिर क्या लिखेंगे? 2 power 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 power क्या हो जाएगा? 1. 1 लिखते नहीं हैं तो 2 power 2, 2 times 2 is 4 और 4 times 5 is 20. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब आप देखें कि यहाँ हमें बेस क्या दी जा रही है? a प्लस बी. और एक्सपोनेंट क्या है? स्क्वायर दिया हुआ है. यहाँ क्या है? a प्लस बी. और एक्सपोनेंट नहीं दिया तो क्या है? 1. और ये भी इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 में से 1 क्या हो जाएगा? माइनस. और यहाँ पे 3 में से क्या 1 होगा? माइनस जो है वो 1 हो जाएगा. फिर उसके बाद जो है हम लिखेंगे a प्लस बी 2 - 1, क्योंकि 2 है यहाँ 1 माइनस हुआ. फिर डॉट लिखा, डॉट मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है. c प्लस डी और यहाँ क्या जाएगा? 3 - 1, यहाँ 1 पावर है तो ये माइनस 1 हो गया. यहाँ 1 पावर थी, माइनस 1 हो गया. बहुत ही आसान है. क्या लिखेंगे? a प्लस बी, क्योंकि 2 - 1 1 है, 1 नहीं लिखा जाता. फिर क्या लिखेंगे? c प्लस डी, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2. और ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया. क्वेश्चन 1 कंप्लीट होने के बाद लेट्स स्टडी क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 पार्ट 1. सिमिलरली वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दीज पार्ट्स. अब हम देखेंगे कि पार्ट 1 क्या है. पार्ट 1 हमारे सामने लिखा है 1 upon 3 whole power 4 into 1 upon 3 whole power 5. आप देख रहे हैं कि बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो ये स्टेप क्या बनेगा? 1 upon 3 whole power 4 plus 5 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए. फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 upon 3 और ये कितना बनेगा? 4 plus 5 9. और ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन.
क्वेश्चन टू इसका सेकंड पार्ट ऐसा ही था, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। नंबर थर्ड पार्ट जो है ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही था, इसे मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन बुक में ये आंसर दिया हुआ है, मैंने एक स्टेप मज़ीद यहाँ बढ़ा दिया। यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे और आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ माइनस वन और माइनस वन पावर मैंने क्या लिखी, टू। इसी तरह मैंने लिखा माइनस वन और होल पावर क्या लिखी, थ्री, यानी होल स्क्वायर और होल क्यूब लिखा। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर मैं लिखूँ माइनस वन होल स्क्वायर का मतलब है माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, और आप देखें माइनस माइनस प्लस, वन टाइम वन इज वन। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये है माइनस वन होल क्यूब, तो हम इसे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, वन टाइम वन इज वन एंड वन टाइम वन इज वन। आपने ये देखा कि जब पावर टू थी तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, और जब पावर थ्री थी तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहा। तो यहाँ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिला कि ये पावर जो टू जो क्या है, इवन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी पावर अगर इवन नंबर होगी तो यहाँ नेगेटिव साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पावर कभी भी यहाँ पे एक ऑड नंबर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। इसी वजह से आप यहाँ देखें, क्योंकि 8 था तो 8 एक इवन नंबर है, तो मैंने इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दिया। ये रीज़न था कि मैंने ये स्टेप लिखा। बुक में यहाँ पर ही आंसर दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्टेप मज़ीद यहाँ बनता है जो हमें कर लेना चाहिए। और यहाँ पे तीन पार्ट समझने के बाद अब हम मज़ीद पार्ट्स को भी समझते हैं। पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 आपके सामने सिंप्लीफाई हुआ हुआ है। ये उसी पैटर्न पे सिंप्लीफाई हुए हैं जो इससे पहले आपने क्वेश्चन समझ लिए। आई होप ये आपको समझ आ जाएंगे, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा ही है, ये मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया, और इसके बाद नंबर 9 जो है वो भी मुझे लगता है कि इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए उसे पहले सिंप्लीफाई कर दिया। ये याद रखिएगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में आपको अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ना दी जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाए, और जो क्वेश्चन सिमिलर हैं वो सिंप्लीफाई तो किए जाएँ लेकिन उसकी दोबारा से आपको एक्सप्लेनेशन ना दी जाए, क्योंकि आप जब एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सिमिलर ही था लेकिन आई थिंक इसे सिंप्लीफाई कर देना चाहिए क्योंकि वेरिएबल थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा है, ये m n स्क्वायर t पावर 4 n क्यूब m पावर 5 और t रेस टू पावर 7। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, m यहाँ पावर क्या है 1 और यहाँ क्या है पावर 5, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, एन क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, टी क्या हो जाएगा, आप यहाँ डॉट लगा सकते हैं शो करने के लिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4 प्लस 7। आपको मालूम है कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 1 6, एन पावर क्या हो जाएगी 5 और टी पावर क्या है ये हो जाएगा 11। बुक के आखिर में यहाँ टी पावर एन लिखा हुआ है जो कि जाहिर है एक मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को भी साथ में रेक्टिफाई कर लेंगे। इसके बाद मज़ीद पार्ट्स को समझते हैं। क्वेश्चन 2 के लास्ट 3 पार्ट्स आपके सामने सिंप्लीफाई हुए हुए हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रीन या रेड कलर यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर अलाउड है, इसके अलावा आप बाकी कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने आपके सामने जो कलर्स यूज़ किए हैं ये सिर्फ प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए और विजुअली इसको बेहतर करने के लिए आपके लिए लिखा गया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए लिख रहे हैं या अगर आप 9 लिख रहे हैं तो इसमें बाज़ुकात स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वैसे ही अगर आप लिखें कि ए पावर 9 तो अंदाज़ा होना चाहिए कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है।
आपको हमेशा इस तरीके से लिखना है कि वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके कि बेस क्या लिखी गई है और एक्सपोनेंट क्या लिखा गया है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट सही नहीं करते, आपकी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो ये कभी भी एग्जामिनर को एक अच्छा लुक नहीं देगी और ये प्रेजेंटेशन ख़राब होने की वजह से आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि अभी बुक का स्टार्ट है, आप यहाँ से ही अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना शुरू कीजिए ताकि जब आप बुक कंप्लीट करें या आप रिविज़न करें तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ काम कर सकें। यहाँ एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नंबर 12 जो है बुक के आखिर में, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ और इसे पॉजिटिव बना दिया गया, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। मैं आपसे रीज़न डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप देखें बेस सेम है और सब माइनस एल अपॉन एम है, तो पावर ऐड हो गई, ये हो गया 12। 12 का मतलब इवन नंबर है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इवन नंबर की वजह से पावर क्या हो जाती है, हमेशा नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ ये 12 की वजह से ये इवन नंबर था तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन बुक के आखिर में यहाँ माइनस साइन मौजूद नहीं है। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेंगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 की सिंप्लीफिकेशन भी क्वेश्चन 2 जैसे ही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिए। सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आंसर लिखा गया है बुक के आखिर में, लेकिन अगर आप चाहें तो एक स्टेप मज़ीद बढ़ा सकते हैं, वही लॉजिक कि अगर इवन नंबर है तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और इसके बाद हम मज़ीद क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 3 के मज़ीद 3 पार्ट्स को देखते हैं। बस सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ 3 ही स्टेप्स मौजूद हैं और इतना छोटा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का यानी शॉर्ट आंसर में नहीं दिया जा सकता। अगर आपको शॉर्ट आंसर में भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए होगा, 5 एंड मोर स्टेप्स उसमें मौजूद हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये क्वेश्चन जो है बुक में कहाँ आंसर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक में इस स्टेप तक आंसर दिया गया है, लेकिन मैंने आपको एक स्टेप मज़ीद करवा दिया कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, इवन नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको पेपर में अगर ये दिया जाएगा तो आप इसे आंसर के तौर पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ये दिया जाएगा तो आप इसे आंसर के तौर पर सेलेक्ट कर लेंगे। बुक में आंसर में यहाँ पर 5 क्यूब दिया हुआ है, मैंने इसे सिंप्लीफाई करके 125 कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद देखें कि यहाँ माइनस साइन था, लेकिन जब क्योंकि पावर इवन थी तो साइन पॉजिटिव हो गया और इसे लिख लिया, लेकिन बुक में यहाँ माइनस 4 और ब्रैकेट लगा के ऊपर होल पावर जो है वो 6 लिखी गई है। हर तरीके से ठीक है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल उस लास्ट स्टेप तक ले जा रहा हूँ जहाँ तक वो सिंप्लीफाई हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे। इसके बाद सिर्फ लास्ट 3 पार्ट्स रहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 के लास्ट 3 पार्ट्स, और यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आखिरी पार्ट में आंसर बुक के आखिर में ये माइनस का साइन नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप ये माइनस का साइन लिखेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन इस इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन यहीं मौजूद रहेगा। आई होप आपको ये 3 सवाल भी आसानी से समझ आ जाएंगे क्योंकि इनका प्रोसेस सेम है। यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पिछली वीडियोस की तरह आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियोस देखते रहें और सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।